फ्यूचर के 80-90 किस्ती को। अरे इतने सारे मिस्ड कॉल, बच्चों का भी फोन आया है, क्या बात है। हेलो, हाँ बेटा फोन किया था आपने, क्या भाई जी क्या फिर खाया क्या तुम लोगों ने, मैगी बना ली किसने, गैस तो ठीक से बंद किया है ना बेटा, और क्या मम्मा। अच्छा अपना ध्यान रखना, मैं बात करती हूँ। मुझे आपके घर काम करने से मना कर रहे हैं, कहते हैं आपके घर का काम किया तो मुझे बाकी घर के काम से हटा देंगे। हेलो हेलो, मैम मैं सेक्रेटरी साहब का पीए बोल रहा हूँ, आप हॉस्पिटल में ही है ना? जी जी सर, मैं यही हूँ, बताइए। हाँ तो आप हॉस्पिटल में ही रुकिएगा, सेक्रेटरी साहब की इच्छा हो रही है, उनका मन है कि वो हॉस्पिटल का दौरा करें, तो आप वहीं रुकिएगा। तो सर मैं तो 36 घंटे की ड्यूटी करके अभी ऑफ हूँ, अभी और कैसे रुक सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, 36 घंटे क्या होता है, आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है, आपको वहां रुकना ही पड़ेगा। और हम सेक्रेटरी साहब के साथ दो तीन पत्रकार भी हैं, उनको फोटो भी खिंचवानी है, तो आप वहीं रुकिएगा। अच्छा ठीक है सर, वैसे भी अभी अभी तो कोविड की डेड बॉडीज आई है, मुझे कुछ हैंडओवर फॉर्मेलिटीज करनी, आप आ जाइए सर। दो दो डेड बॉडीज, हां दो दो डेड बॉडीज आ गई है सर। अच्छा ऐसा है डॉक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब का थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया है, उनको कोई जरूरी काम याद आ गया है, यू प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, जब भी होगा आगे बता देंगे। जी जी सर, ठीक है, ओके। तो ये थे कोरोना काल के डॉक्टर्स के कुछ छोटे मोटे अनुभव। आइए अब देखते हैं कि इसी समय बाबा टॉम दे और पाल किरण कोरोना को लेकर क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं। अरे बाबा हम तो कुछ भी दावा ढोक सकते हैं, क्योंकि सवाल जवाब तो किए जाते हैं डॉक्टरों से, हम है बाबा लोग, हम सब सवाल जवाब से परे हैं। बाबा जी आप बात करेंगे क्या? अरे बेटा देख भैया, 100 लोगों का क्या इलाज है, लोग तो सांस के वेरिएशन ही बताते रहते हैं, उसमें और वेरिएशन बता देंगे, कुछ पेट हिलाना बता देंगे, और एक इम्यूनिटी बूस्टर वो भी बना देंगे। तू तो ऐसा कर बेटा, पेटेंट की एफिडेविट डाल और काम चालू कर। पेटेंट की जानते रहो बाबा जी, अरे छोड़े ये नहीं बेटा, छोटा किशन इसीलिए दरवाजा चेला बनाया, तूने तो राइमिंग में नामकरण भी कर दिया, ऑटो रिंगी राइम्स हम बनाएंगे। बाबा जी हमारे यहाँ तक बोरों से ओवर है और उनको अन्य बीमारियां भी है, ऐसे में हमारे यहाँ से भरोसे रहे हैं और ज्यादा सीरियस हो गए तो, और डॉक्टर को इनफेक्ट होने का खतरा भी है और जान ले रहे खतरा भी उसमें। अरे बाबा कभी सीरियस मरीज की जिम्मेदारी लेते हैं क्या, कभी फिक्र करी है हमने, तो खुद अभी उठा के सीरियस हुआ था, तेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरे को यहाँ से भर्ती कराया था। अरे ऐसा नहीं है कि सीरियस मरीज सब जाकर डॉक्टरों के ही करे पड़ेंगे, पर बाबा जी डॉक्टर ऐसे मरीज की जिम्मेदारी क्यों लेगा जो अपनी बीमारी पहले से भी उगा कर गया हो, और इसमें तो डॉक्टर के इफेक्ट होकर जान जाने का खतरा भी है। अरे ये तो और अच्छी बात है, जब डॉक्टर तो मरीज को मना कर नहीं सकता, उसने सेवा के लिए रखी है शपथ, और इलाज करते करते उसकी जान चली गई तो अपना डर हुआ था, हम कहते हैं देखो कुछ कोरोना से मरना तुम्हें क्या बचाएगा। हाँ अच्छा बाबा जी, इसलिए मैं समझा कि आपने एलोपैथी को दिवाली पेश होगा। अरे बेटा ये एलोपैथी नाम में पेश है, तूने आज तक सुना है एलोफिजिक्स एलोकेमिस्ट्री किसी ने नहीं सुना, पर अपना एक था जर्मन भाई,
उसने अपनी पैथी चलाने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस को पढ़ दिया एलोपैथी, ताकि वो अपनी इसके बारे में चला ले। और अपन भी क्या करेंगे, अपन भी अपनी कुछ कुछ चला लेंगे। और अपन नाम पता है किसका लेंगे, आयुर्वेद का, प्राचीन भारतीय परंपरा। अपने को कोई कुछ बोलेगा कहके देखा साला आयुर्वेद पे अटैक करता है, वो ट्रोल होने लगेगा अपन फिर कि नहीं आइडिया सही। पर बाबा जी आयुर्वेद का ठेका आपने कैसे ले लिया, इसके लिए बकायदा कॉलेज करे हुए हैं, एंट्रेंस है, और आप तो बाबा छठी फेल है, और इसमें ऊपर से आईएमए और एनएमई का पक्का किया तो। अरे बाबा जी के एनएमए आईएमए सब तो है भेड़ बकरी, मैं कौन हूँ, मैं हूँ डाउन देव बैल, मैं हूँ आयुर्वेद का स्वयंभू ठेकेदार, और नियामक संस्थाएं हैं मेरी बखैर। तो तू चिंता मत कर, ये तो अपन ने फटी हुई जींस बनाई थी, अगले साल मार्केट करेंगे, तू तो लग जा बेटा, ईश्वर की कृपा रही, बीमारी बहुत फैलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकारें इस दौर में कुछ भी नहीं कर रही थी, कोरोना की सेकंड वेव से पहले आओ दे सकता हूँ आपको एक हाई पावर कमिटी की मीटिंग में, जिसमें बैठे हैं चीफ मिनिस्टर चपलोत साहब, मंत्री शर्मा जी, कत्तावर महिला मंत्री इंदिरा आवेश, विधायक दोग जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजदीप खाता और हेल्थ सेक्रेटरी अभिलाषा सोनी। Sir, it will make situation even worse. Please don't do it, sir.
क्या अंग्रेजी में ज्ञान दे रही हो? विधायक का महत्व तो शॉर्टेज से ही बनता है। जब हमारा फोन जाता है, रिश्तेदार चौतर भटक भटक के हमारे फोन के बाद दवाई पाते हैं, तो जिनके बगैर हमारे होटल हो जाते हैं। ये दिमाग कभी नहीं लगाते कि शॉर्टेज हुई क्यों? छोटे जीवन में इतनी राजनीतिक छूटपूट हासिल कर ली मैडम ने, उनकी कुछ ही इंच है सर। और इतनी सर ये मेरा ही आइडिया था सर। अरे यार तू तो तेरा मर्दाना जमाने में कौन था अलग ही पसाना सर। अब आपको जो फाइनल बातें दीजिए सर, ये दोबारा आ रहा है, इसको रोकना तो पड़ेगा सर। और सर ऐसी खबर आ रही है, ये पहले से भी भयानक और भयंकर है, राजनीतिक कोरोना की बात नहीं कर देना, ठीक है सरकार को देख देना। और फिर जैसे जैसे सेकेंड वेव फैली तो पेशेंट्स बढ़ते गए, कुछ मरीज तो जेन्युइनली सीरियस थे जो आईसीयू में एडमिट हुए, और कुछ मरीज थे सिर्फ वीडियो कॉल वाले और केवल गूगल ज्ञान वाले। तो ऐसे ही मरीजों और एक जनरल प्रैक्टिशनर की बातचीत की झलक। अरे भाई तुम अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें काला पीना है काला पियो, मैंने तुम्हें जांच करवाने की सलाह दी है, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर साहब नाराज मत हो, कल धान घर गिरा शायद किसी को नहीं। अरे भाई तुम मरीज है, भीड़ लगी हुई, माफ कर मुझे भाई साहब। हेलो हेलो बोलो, कोई बोलो। हाँ बोलिए। अरे भाई गूगल ज्ञान बोलो बोलो। क्या समस्या है? Doc, I had a corona fever lasting only for one day. I have done all the tests 3 times in my life, but still my corona report is not negative. भाई आपने 5 दिन में 3 बार टेस्ट करवा लिए, बुखार केवल 1 दिन का, क्या चाहते हो आप? I've taken an entire course of remdesivir for 7 days, but still my corona report is not negative. भाई आपको किसने बोला रेमडेसिविर का 7 दिन का कोर्स करने के? 1 दिन का बुखार था, 5 दिन में आपने 3 बार टेस्ट करवा लिए, कोविड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, उसमें क्यों पढ़ते हो आप? ओह नो, आई हैव अल्सर्स इन माय माउथ, मेरे मुंह में छाले हैं, एंड आई मैंने एफबी और गूगल पे देखा है, जिसके मुंह में छाले हैं उसको बहुत सीरियस कोविड होता है, एंड मैं 4 टाइम्स काढ़ा भी पी रहा हूँ।
अरे महाराज ये छाले आप अप्रैल की गर्मी में जो काढ़ा पी रहे हो ना, इससे कोविड से नहीं हुए। रेमडेसिविर का 7 दिन का कोर्स भी कर चुके हो आप। गूगल ज्ञान को अपने पास रखो भाई, मुझे माफ करो। मुझे तो घर की राय चाहिए थी। अरे मैं भी घर की राय दे रहा हूँ भाई, इरिटेट नहीं हो रहा, माफ कर मुझे, मरीज देखने बहुत सारे। ओके टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ आप भी अपना ध्यान रखो और ये कार्य आगे बढ़ते रहो। तब तो आई हैव टू पे यू। नहीं नहीं थैंक यू। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, एक समस्या है, घर की समस्या है। कोई घर की राय नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब। मैं घर की राय देने के लिए बैठा हूँ, बोल रहे हो डॉक्टर साहब। आपके चाचा जी के बगल में जिनकी दुकान है ना, उन पर साड़ू बोल रहा हूँ, साड़ू रानी सती नगर जयपुर से। हाँ साड़ू मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोली है ना, पानी में घुल नहीं रही है ये। पानी में क्यों बोल रही भाई डॉक्टर साहब? गूगल 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 पे देखा था, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताई थी गूगल पे कि सरफेस कॉन्टैक्ट इज मोर डेंजर देन एयर स्प्रेड। अरे तो भाई इसको पानी में बोलना क्यों, ये तो खाने की गोली है, मुंह से लेते हैं, पानी में नहीं बोलना। अरे डॉक्टर साहब इस गोली को पानी में घोल कर बारिश में डालकर पोछा लगाऊंगा घर के प्रोग्राम में। भाई ये नेक सलाह किसने दी आपको ये? अरे डॉक्टर साहब मैंने तो पैसे निकाल के वीडियो देखा है, आप तो बताओ मुझे। अरे तो वीडियो में कुछ भी होगा तुम मेरे से सवाल होगा उसमें कंफर्म करवाने के लिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये खाने की गोली है, इससे पोछा लगाने से कोविड भागेगा नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो आपके चाचा जी के बगल की दुकान में साड़ी बोल रहा हूँ, घर की राय दो, घर की। साधु भाई घर की राय दे रहा हूँ, माफ कर मुझे, गूगल ज्ञान अपने पास रख, मुझे मरीज देख रहे बहुत सारे भाई, भीड़ लगी है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। ओ चलो आपके ने फोन लग गया तो सही है जी। डॉक्टर साहब मैं तो फोन पर ही लग गया रहो, मरीज को देखो। अरे भाई तो फोन पे देखो मैं मरीज, भाई सारे तो फोन पे ध्यान लग रहा है आजकल तो। क्यों बताओ डॉक्टर साहब, कोरोना पॉजिटिव क्यों हुआ है? अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन होगा जांच कराओगे तो पॉजिटिव, अगर इन्फेक्शन होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। अच्छा, और मैं जब पॉजिटिव हो जाऊँ तो मैंने आइसोलेशन में रहने की मिलती है? सब्जी बनाओ काव रंग पसंद आया तो पति ने बुनी आ रहा, पति ना आया तो काव रंग बने आ रहा, और घर में दुनिया भर का नौकर चाकर भरा पड़े, पर ससुर जी ने तो केवल बहू की हाथ की चाय खा रहा है। मुझे आपके साथ बहुत सहानुभूति है शांति जी। अजी ऊपर सास है जगह से नौकरान टिकन बुन दे और रही से कसर मर्द खुद कर दे। अब तो मैं तो 14 बुनियादी में आइसोलेशन में रूम तो देना पड़ू, उनकी जरूरत पड़ने पर पूरा साथ। थैंक यू, धन्यवाद।